ईश्वर भगवान एक होते हैं, वो पांच रूपों में व्यक्त होते हैं। जैसे हथेली एक है, उंगलियां पांच, समझ गए? एक ही परमात्मा सच्चिदानंद हैं। वे जब सृष्टि बनाने का काम करते हैं तब उन्हीं का नाम ब्रह्मा, हिरण्यगर्भ या सूर्य हो जाता है। पालन का काम करते हैं तब उन्हीं का नाम विष्णु होता है। संहार का काम करते हैं तब उनका नाम शिव हो जाता है। निग्रह या तिरोधान का काम करते हैं तो उनका नाम शक्ति हो जाता है। अनुग्रह का काम करते हैं तो उनका नाम गणपति हो जाता है। एक ही परमात्मा सृष्टि काल में पांच रूपों में स्वयं को व्यक्त करते हैं। सूर्य के उपासक को, भगवान सूर्य के उपासक को सौर कहते हैं, विष्णु जी के उपासक को वैष्णव, शिव जी के उपासकों को शैव, शक्ति के उपासकों को शक्त, गणपति के उपासकों को गणपति कहते हैं। ये जो पांच देवता हैं और इनके जो शास्त्र सम्मत अवतार हैं, जैसे विष्णु भगवान के अवतार श्री राम कृष्ण आदि, शिव जी के अवतार कौन, हनुमान जी आदि, ऐसे ये पांच देव और इनके शास्त्र सम्मत जो अवतार हैं वो सनातन धर्मियों के मठ मंदिर में पूजित और प्रतिष्ठित होते हैं। इसलिए कुल परंपरा से जो इष्ट देव हों या पूर्व जन्म की साधना के बल पर जिनके प्रति स्वाभाविक रूप से आकर्षण हो, समझ गए? यहाँ की रेखाएं भी बता देती हैं। जैसे शर्मा जी हैं तो इनमें त्रिपुंड की रेखा है कुछ बारीक, ये किसी में कुछ, किसी में ऐसे वो द्विपुंड की रेखा होती है, किसी में बिंदी की रेखा होती है। इन सब से भी पता चल जाता है कि पूर्व जन्म में किसी ने, और किसी को एक सपाचट कुछ नहीं, समझिए कि पूर्व दो चार जन्मों से इसने देवी देवता की आराधना नहीं की। तो भगवान एक ही हैं, पांच रूपों में व्यक्त हैं। उसमें भी भूत कितने हैं, पांच भूत, माने भूत प्रेत नहीं, भूत माने पंचभूत, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। किसी का शरीर पृथ्वी की प्रधानता से है, किसी का जल की, किसी का शरीर तेज की, किसी का शरीर वायु की। अत्यंत सिद्ध जो होते हैं उनका शरीर आकाश की प्रधानता से भी होता है। इसीलिए एक पृथ्वी के नियामक, एक जल के नियामक, एक तेज के नियामक, एक वायु के नियामक, एक आकाश के नियामक भगवान होते हैं। पृथ्वी है, पृथ्वी में क्या क्षमता है, हमने पांच कृत्य बताया, भगवान के पांच काम, उत्पत्ति, स्थिति, संहार, तिरोधान या निग्रह और अनुग्रह। पृथ्वी में कौन सा है, उत्पत्ति, सभी इससे उत्पन्न होते, स्थावर जंगम प्राणी। जल में जल जीवन है, पालनी शक्ति, तेज संहार की शक्ति आग, और जो वायु है निग्रह की शक्ति है, आकाश में अनुग्रह की शक्ति है। आकाश ही पृथ्वी जल तेज वायु को साधे हुए है। इसीलिए एक एक भूत में एक एक विशेषता है। एक एक भूत माने पृथ्वी जल तेज वायु आकाश को नियंत्रित करने हुए के लिए पांच देवों में एक एक देवता की भावना की गई है। इनका नाम कार्य ब्रह्म होता है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश कार्य। इसके बाद कारण ब्रह्म, माया, माया का नियामक वही भगवान बन गए, तो कारण ब्रह्म। पंचभूत और माया दोनों से पृथक भगवान को देखें तो कार्य कारुणातीत परब्रह्म। इसीलिए हमारे यहाँ कोई दिमाग में टेंशन की जरूरत नहीं, तनाव की आवश्यकता नहीं है। एक ही भगवान पांच रूपों में व्यक्त होते हैं।